स्थानीय राजा पेट स्थिति पत्रकार भवन में हाजी सैयद मुश्ताक, शेख मोहम्मद इमरान, अयूब खान, मुस्तफा खान, शेख नूर, शेख बिस्मिल्ला, नजी करीम खान द्वारा पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें जानकारी दी गई कि बडनेरा जुनी बस्ती साहिल लॉन के बाजू हॉस्पिटल अलहाज सैयद अवहाब डायग्नोसिस सेंटर के पहले मजले का बांधकाम पूरा हो चुका है। पहला माले का सीलॉब 15/11/22 को जिले के उलेमा धार्मिक नेता व सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति होने वाला है। बडनेरा में शुरू किए जाने वाला सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल और डायग्नोसिस सेटंद्र एक चैरिटेबल अस्पताल है, जिसका निर्माण लोगों की सेवा भाव से किया जा रहा। सेवा भाव से अस्पताल की निर्माण में हिस्सा लेने वालों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा अपील की गई कि वो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस कार्य में ताउन करने के लिए हाजी सैयद मुश्ताक, शेख मोहम्मद इमरान, अयूब खान, मुस्तफा खान, शेख नूर, शेख बिस्मिल्ला, नजीब करीम खान से संपर्क कर सकते हैं। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये प्रेस परिषद लेने का, पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये है कि बडनेरा शहर में अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू है, जिसका नाम अल्हाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल और अल्हाज अब्दुल रईस डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि बडनेरा में है। और ये जो काम शुरू करने का मकसद ये था कि भाई कोरोना काल में सारे आलम इंसानियत को जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और जगह जगह पब्लिक से यानी बहुत ज़्यादा रुपयों की डिमांड की गई और बहुत से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सके, गरीब लोग बिल्कुल बेहाल होकर यानी बहुत मुश्किलों में उन्होंने अपनी उस वक्त को काल को गुजारा। इससे प्रेरणा लेकर हम हमारे जितने भी ट्रस्टी हैं सब ने किया कि एक अपना यहाँ भी बडनेरा में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो कायम होना चाहिए, उसके लिए हमने कोशिश काविश करके उसको इसके संज्ञा बुनियाद रखे और उस काम को अभी शुरू करें। इसका ग्राउंड फ्लोर का काम तो माशाल्लाह हो गया था, अब ये फर्स्ट फ्लोर का स्लैब इंशाल्लाह 15 नवंबर को होने वाला है, जिसके लिए हमने ये प्रेस का मकसद भी यही है कि ये आम लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग इसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये बगैर लोगों के हिस्सा लिए ये काम पूरा हो नहीं सकता। बडनेरा वाले ये हम सब खुद ये मिलकर ये पूरा मुकम्मिल काम कर नहीं सकते, इसके लिए हम सबसे लोग से अपील कर रहे हैं कि भाई ये काम में सब अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारी मदद करें। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मकसद ये था कि बडनेरा के अंदर जो अलहाज सैयद अब्दुल वहाब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने जो एक अज़्म लिया था अस्पताल के काम का, वो जो काम आज फर्स्ट फ्लोर के स्लैब तक पहुंच चुका है और उस अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर का स्लैब 15 नवंबर को रखा गया है। इस पत्रकार परिषद का अहम मकसद ये है कि ये आम लोगों तक हर जो इस काम में सहयोग करता है, सहायता करता है, डोनेट करता है, उन लोगों तक ये बात पहुँचे कि यहाँ एक ऐसा ऐसा इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने वाला काम शुरू है और इसका फर्स्ट फ्लोर का स्लैब 15 नवंबर का रखा गया है। मेरी सभी ताउन करने वालों से गुजारिश है कि इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं नजीब करीम खान। आज जो यहाँ पत्रकार परिषद बुलाई गई थी, ये इसका मकसद ये है कि अलहाज अब्दुल वहाब हॉस्पिटल एंड अलहाज अब्दुल रईस डायग्नोस सेंटर का जो बडनेरा के अंदर काम शुरू है, उसका 15 तारीख को स्लैब पहला स्लैब रखा गया है। तो यहाँ सब हम आज इसलिए हाजिर हुए थे कि आपके ज़रिए एक अपील भी करना थी कि भाई पूरे ज़िले के अंदर जो अपने लोग हैं वहाँ तक ये बात पहुँचे और हमारे एक दवाखाने के अंदर बढ़ चढ़ के लोग जो दानदाता है वो ताउन करे। ये सब जो कुछ भी दवाखाने काम शुरू है, ये सब पब्लिक के चंदे से, आम चंदे और पब्लिक के चंदे से हो रहा है। हर घर में एक इसके लिए पेटी रखी गई है, हर आदमी अपने घर का रोज का 1 रुपया उसमें डालता है। ऐसा ही करके पूरा ये सब शुरू है और ये दवाखाना जो बन रहा है चैरिटी दवाखाना है। इसलिए आपके चैनल से, भैया आपके चैनल से बात पहुँचानी है पब्लिक तक कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दवाखाने का ताउन करे और इसके अंदर जो हमारी एक जहदोजहद शुरू है क्या कम पैसे के अंदर गरीब जनता को और जो है तकलीफों का सामना करना पड़ता है उसका एक निराकरण हो जाए। तो एक बार आपके चैनल से मैं और अपील करना चाहता हूं कि आप हमारी बात पब्लिक तक पहुंचाएं कि इसके अंदर हमारा ज़्यादा ताउन करें। अल्लाह।